हेलो ऑल वेलकम टू द इंसेप्शन एकेडमी। वी आर गो थ्रू विद द सीसीएनए एंड वी स्टार्ट विद द मॉड्यूल वन दैट इज़ नेटवर्किंग एसेंशियल एंड टुडे वी आर गोइंग थ्रू द आईपी एड्रेसिंग सो माय नेम इज परिष्कृत आर्या एंड आई एम योर कोर्स इंस्ट्रक्टर इन दिस कोर्स सो लेट स्टार्ट स्टार्ट करते हैं आई एड्रेसिंग से अगर आप सो रहे हो ठीक है अगर आपका मूड ठीक नहीं है तो प्लीज़ आईपी ड्रेसिंग को ना पढ़ें ठीक है जी अगर आप बिल्कुल फ्रेश मूड में हैं आप पढ़ने के मूड में हैं तो हम स्टार्ट करते हैं अदरवाइज आपका पढ़ने का वैसे कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आई पी ड्रेसिंग इज़ अ बास टॉपिक ठीक हो गया तो स्टार्ट करते हैं सच व्हाट इज़ आईपी एड्रेसिंग आईपी एड्रेस होता क्या है आईपी एड्रेस सॉरी इंटरनेट प्रोटोकॉल और जिसको आप आई पी बोलते हो इज़ अ मैथड और प्रोटोकॉल बाई विच डेटा इज सेंड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर ऑन इंटरनेट एक मिनट होल्ड ओके आपके पास ये एक पी सी है आपने डेटा दूसरे पी सी को सेंड करना है जी आपको एक आई पी एड्रेस चाहिए ठीक हो गया आप विदाउट आई पी एड्रेस ही डेटा नहीं सेंड कर सकते हैं आपके पास कोई दूसरा मीडियम भी नहीं है आप कर ही नहीं पाओगे कभी नहीं कर पाओगे ठीक हो गया कभी देखिएगा करके आप दो पीसी को जोड़ दो या दो लैपटॉप को आपस में वायर के साथ जोड़ दो वो कभी कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे जब उनके पास आईपी नहीं होगा तो सेकंड चीज़ पे आते हैं जी ईच कंप्यूटर इज़ ऑन इंटरनेट हैज़ लिस्ट वन आईपी एड्रेस जैसे मैंने आपको पहले बताया हर एक कंप्यूटर हर एक डिवाइस को जो इंटरनेट के ओवर है उसको एक आई एड्रेस चाहिए होता है ठीक हो गया विदाउट इट आप कम्युनिकेशन ही नहीं कर पाओगे थर्ड चीज़ पे आते हैं जी आपके पास द यूनिक आइडेंटिफाई ऑफ ऑल कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट हाँ जी एक चीज़ और कि आपके पास जो आईपी एड्रेस होता है ना ये आपके पास यूनिक होता है जितने भी डिवाइसेस लगे हैं आज तक इंटरनेट बिलियन ट्रिलियंस डिवाइसेस लगे हुए हैं उनमें से अगर आपको कोई एक आई एड्रेस मिला तो वो यूनिक होगा ठीक हो गया वो किसी दूसरे बंदे का आई एड्रेस नहीं हो सकता है तो आगे चलें सो भैया वाई वी नीड आई पी एड्रेस ठीक है हम इस चीज़ को ना यहाँ पे थोड़ा सा आई एड्रेस के बारे में पढ़ते हैं और आगे हम फर्दर मूव कर जाते हैं किसी को ये चीज़ नहीं पता होती भैया हमें आई पी ड्रेस चाहिए क्यों तो हमें आई पी ड्रेस क्यों चाहिए सबसे पहली बात हमने पहले मैक पढ़ा मैक में हमने ये बोला भैया ये कम्युनिकेशन करने के काम आता है ठीक हो गया तो आप लोगों के दिमाग में ये बात है कि भैया हमें आईपी एड्रेस चाहिए ही क्यों ठीक हो गया। तो पहला तो रीजन ये है कि आपके पास मैक इज स्पेसिफाइड टू इथरनेट एंड यूज लेयर टू इनकेप्सुलेशन लेयर टू क्या है ये आपके पास ये लेयर टू डेटा लिंक क्लियर होती है आप ओ एस आई मॉडल में पढ़ोगे मैंने पहले आपको ओ एस आई मॉडल ही पढ़ाना था आपकी बुक में भी ऐसा ही है कि पहले ओ एस आई मॉडल दिया पर मैंने सोचा पहले आपको आई पी ड्रेसिंग पढ़ाऊँ आई पी से आपको फायदा क्या होगा कि आगे जाके आप लेयर्स के ऊपर कन्फ्यूज़ नहीं होंगे आपको वहाँ पर पता चल जाएगा कि लेयर एक्चुअली वर्क कैसे करती है ठीक हो गया तो मैंने इसलिए पहले आपको आई पी ड्रेसिंग पढ़ानी है तो इसमें आपको सोना नहीं है जागते रहना है और लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि सी सी एन ए में आई एड्रेसिंग जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विदाउट आई पी आप सोचोगे कि, कि मैं सी सी एन ए क्लियर कर लूँगा नहीं हो सकता इम्पॉसिबल ठीक है तो सबसे ज़्यादा ध्यान आप पहले आपको आईपी एड्रेसिंग पे देना है एक बार आपका इसमें प्रैक्टिकली आप ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया आपको आईपी एड्रेसिंग में तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता एग्जाम में ये श्योरिटी मैं देता हूँ ठीक है तो आपको आईपी एड्रेसिंग ढंग से आनी चाहिए एग्जाम में आपका कम से कम इसमें से ट्वेंटी फाइव मार्क्स के इसमें से क्वेश्चन आते हैं आपको आई पी ए में से ठीक हो गया तो ये चीज़ ध्यान से पढ़नी है तो वाई वी नीड आई पी ए सो so, पहले मैंने बात की कि मैक जो है एक इथर्नेट से स्पेसिफिक होता है ठीक हो गया ये और ये सेकेंड है कि ले टू पे इन, ले टू इनकेप्सुलेशन पर वर्क कर रहा होता है ये डेटा लिंक लेयर पर काम कर रहा होता है सेकेंड चीज़ क्या है कि मैक इज़ नॉट ईजी टू रिमेंबर आपने मैंने आपको मैक एड्रेस दिखाया था क्या वो आप इसको याद कर सकते हो ईज़िली बिल्कुल नहीं ये इजीली रिमेंबर भी नहीं होता आप इसको रिमेंबर नहीं रख सकते इतनी जल्दी ठीक हो गया क्योंकि उसमें बारह डिजिट होते हैं और आप वैसे बोलो तो है हेक्स, टोल हेक्सा डेसिमल नंबर का ही आपके पास फोर्टी एट मिट्टी का मैक एड्रेस होता है तो इतना ईजी है कि इसको रिमेंबर कर पाओ आप सेकेंड ओके अच्छा आगे क्या क्या आपके पास मैक हैज लिमिटेड स्कोप बिल्कुल जी मैक का आपके पास एक लिमिटेड स्कोप है इसमें कोई वो चीज़ नहीं होती है अभी के पास इसमें कोई आगे डिवाइडेशन नहीं हो सकती इसमें कोई फीचर नहीं है ठीक है एक यूनिक आईपी एड्रेस है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन करते हो अगर किसी आपको आईपी एड्रेसिंग का पता है तो मतलब इसमें कोई सबनेटिंग वाला आपके पास कोई फीचर नहीं आपको प्रोवाइड करता ठीक हो गया अच्छा आगे बात करते हो आईपी एड्रेसिंग इज़ यूज फॉर कम्युनिकेशन बिलियन डिवाइस ऑफ इंटरनेट बिल्कुल एक आईपी एड्रेसिंग ड्रेसिंग ही एक ऐसी चीज़ है जो हर एक डिवाइस को एक सिंगल से सिंगल डिवाइस को वो इंटरनेट कनेक्ट करके रखती है अगर आप आज घर पे इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो आईपी एड्रेसिंग के दिन है ठीक हो गया अगर आप अपने पीसी, अगर आप अपने ऑफिस के साथ अपने बीपीएन कनेक्शंस बनाए हुए हैं तो वो आई एड्रेसिंग के देने अगर आप कोई वेबसाइट ब्राउज कर रहे हो इंटरनेट चला रहे हो तो वो आई एड्रेसिंग के देन है ठीक हो गया इवन आजकल तो माइक्रो बेबी आई पी ड्रेसिंग के ऊपर आ गए आपने फिंगरप्रिंटिंग की मशीन लगाई है उसको एक आई पी ड्रेस चाहिए आपके माइक्रो माइक्रोवेव को आई पी ड्रेस चाहिए ठीक हो गया आजकल जो तो एंड्रॉयड बेस पे टी वी आ रहे हैं अगर आप उन्होंने उनमें कुछ ज्यादा फीचर्स ब्राउज करने हैं तो आपको आई पी ड्रेसिंग चाहिए आपके अपने घर को आई पी ड्रेसिंग चाहिए आपके मोबाइल को आई पी ड्रेसिंग चाहिए ठीक हो गया तो दैट्स आई पी एड्रेसिंग विदाउट आई पी एड्रेसिंग आप कनेक्टिविटी के बारे में सोच भी नहीं सकते हो नहीं सकता ठीक है आगे चलें ओके तो बेसिकली ये कि आपके पास आईपी वर्जन आईपी के दो टाइप होते हैं पता भी होगा कुछ लोगों को कुछ लोगों को नहीं पता होगा ठीक है जो नए हैं, उनको नहीं पता होगा तो मैं बता हूँ आपके पास आईपी एड्रेसिंग के दो टाइप होते हैं जैसे ठीक है जी फर्स्ट टाइप है वो आईपी वर्जन फोर है और दूसरा टाइप आईपी वर्जन 6 है वो आई वर्ज़न सिक्स है इस स्लाइड में हम फिलहाल आई पी वर्जन फोर को अंडरस्टैंड करेंगे आईपी वर्जन सिक्स इज ऑल्सो वास्ट फील्ड तो एक्चुअली मैंने एक बार आपकी बुक से गो थ्रू किया था आई पी वर्ज़न फ़ोर जो है ना आपके पास उसमें थोड़े से कंसेप्ट आ गए हैं जो लेटेस्ट एडिशन चल रहा है मेरे ख्याल से फोर्थ एडिशन आया अभी आई सी एन डी का तो उसमें मैंने देखा कि आपके पास आई पी वर्जन सिक्स की थोड़ी इंप्लीमेंटेशन भी आ गई है तो हम उसके बारे में आई सी एन डी वन में जाके मोर डीपली डिस्कस करेंगे ठीक हो गया तो पहले आपको आई पी वर्ज़न फ़ोर पता होना चाहिए आपको उसकी कम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तो आई पी वर्जन फ़ोर आप क्या सोच रहे हो कि एक दो लेक्चर में कम्प्लीट हो जाएगा मुझे नहीं लगता आई पी वर्ज़न फ़ोर के लिए पहले मुझे आपको बेसिक टर्म्स इसको पढ़ानी पड़ेंगी दो लेक्चर्स मेरे ख्याल से एक ये मैं बना रहा हूँ और एक दूसरा बनेगा ठीक हो गया तो पहले आप दो लेक्चर्स इसमें कंप्लीट करोगे उसके बाद हम सबनेटिंग के ऊपर आएंगे जो हम आई सी एन डी वन में करेंगे ठीक हो गया सबनेटिंग हम आई सी एन डी वन में करेंगे और आई पी वर्ज़न फ़ोर के हम बेसिक कंसेप्ट से यहाँ पर पढ़ेंगे चिकोगे और आईपी वर्जन वज़न सिक्स को हम आई सी एन डी वन में छिड़ेंगे क्योंकि मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर मैंने आपको सबनेटिंग और आईपी वर्जन वज़न फोर की बेसिक्स जो है वो एक साथ करवा दिए तो मे भी आप कन्फ्यूज हो जाओगे और भूल जाओगे सारा कुछ तो आई थिंक यू यू पीपल नीड टू रिलैक्स तो पहले मैं आपको आई पी वज़न फोर के बेसिक्स पढ़ाऊँगा ठीक गया उसके बाद हम आई सी वन में जो आपके सबनेटिंग है उसके गो थ्रू जाएंगे क्योंकि सबनेटिंग भी मुझे लगता है कि आपके पास वहां पे दो या तीन लेक्चर्स बन जाएंगे इस चीज के सो सो दैट तो आई पी वर्जन फोर हम करने जा रहे हैं ठीक है तो सबसे पहले जो आपको आईपी है ना वो कौन प्रोवाइड करता है सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि आपको आई पी कौन देता है आई पी आपको प्रोवाइड करती है जी आईना आई ए ए एन ए आई ए तो इसके आप फुल फॉर्म इसकी स्टैंड करती है इंटरनेट असाइन नंबर एंड नेम बिल्कुल जी आपके पास इंटरनेट असाइन नंबर एंड नेम अथॉरिटी जो है यूनाइटेड स्टेट की एक सेंट्रल बेस्ड कंपनी है ठीक है ये आपको आपको क्या आपके पूरे वर्ड्स को जो हमारे पूरे वर्ड्स को ये आईपी एड्रेस प्रोवाइड करती है ठीक हो गया इज़ responsible फॉर कॉर्डिनेशन ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल addressing ठीक हो गया कि आपके पास जो पूरे वर्ल्ड में जो जो भी आई पी की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है आज वो आइना की बदौलत है ओके जी आगे चलें ओके आइना तो बेसिक ये है कि आपके नेटवर्किंग में ये चीज़ नहीं पढ़ाई जाती श्योर है कि मैंने भी जब सी सी एन ने किया था तो मैंने एक्चुअली क्या किया था कि मैंने मुझे आपको थोड़ा कुछ बताया मैंने क्या किया था कि मैंने सी सी एन ने भी दो बार की हुई है ठीक है तो बेसिक मैंने पहले ट्रेनिंग ली थी तो ट्रेनिंग में क्या हुआ कि वहाँ पे मेरा थोड़ा गैप पड़ गया और मैंने एक बार ट्रेनिंग की और मुझे थोड़े से कंसेप्ट बीच में याद नहीं रहे थे तो मैंने फिर दूसरी बार फिर से ट्रेनिंग ली और उसके बाद सी सी ट्रेनिंग का एग्ज़ाम दिया ठीक है तो मैंने दो बार गो थ्रू किया तो मुझे कहीं पर नहीं पढ़ाया गया आइना के बारे में मोरली डीपली इतना कभी नहीं पढ़ाया गया ठीक हो गया तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि कोई नहीं पढ़ाता इस चीज़ के बारे में बट एज़ योर नॉलेज मैं इस चीज़ को आपको गो थ्रू जरूर करना चाहूँगा ठीक हो गया क्योंकि मैं यहाँ पे आपको किसी चीज़ की ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ मैं आपको सिस्को की सर्टिफिकेशन एक्चुअल सर्टिफिकेशन की ट्रेनिंग दे रहा हूँ मैं कोई बेसिक ट्रेनिंग नहीं दे रहा आपको कि मैं कोई एक सिंपल ट्रेनिंग पे स्टूडेंट्स आते हैं उनको नहीं ये पढ़ा रहा मैं एक्चुअल स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ जो रियली सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं ठीक है तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए ठीक है तो आईना क्या है आईना एक यूनाइटेड स्टेट इज़ इंटरनेट स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन दैट गिव आउट आई पी ए बेसिकली मैंने आपको बता भी दिया पहले कि ये आपको आई पी ड्रेसेस प्रोवाइड करती है आपको क्या आपके पूरे वर्ल्ड को आई पी एड्रेसिंग प्रोवाइड कर रही है ठीक है जी ओके आइना मेक रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज यही चीज़ थी मैं जो आपको बताना चाहता था आइना अकेली नहीं है ऐसी मान लो एक कंपनी पूरे वर्ल्ड को आईपी एड्रेस कैसे दे सकती है ठीक है तो इन्होंने क्या किया आईना ने क्या किया आगे इन्होंने आरआईआर बना दी इनके पास अब फाइव आरआईआर काम करती हैं ठीक है ये डिफरेंट कंटिनेंट्स के ऊपर इनके जो इम्प्लीमेंटेशन है ना इनके बेस पे होती है ठीक है तो ये चीज़ आप याद रखना नहीं याद रखनी तो कोई बात नहीं है एक्सटर्नल नॉलेज के लिए आपके लिए की आईन ने आईना ने क्या किया है कि इन्होंने रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज बना दी हैं ठीक है थीके? जो डिफरेंट कंटीनेंट्स के ऊपर जो भी आपने अथॉर्टी से कंट्रोल डी ओके okay. जो अपनी अथॉरिटी इम्प्लीमेंटेशन करती हैं ठीक है थीके? जो अपनी आई पी ड्रेसिंग जो नंबर्स हैं जो असाइन करती हैं ठीक हो गया तो आप नीचे देख रहे हो जैसे एफनिक क्या है ठीक है एफरनिक क्या है कि ये जो है अफ्रीका जो कंटीनेंट है ठीक है उनके जो कंट्री उसमें अंडर जो कंट्रीज आती हैं ठीक है उन उनको जो है आई पी ड्रेसिंग प्रोवाइड कर रही है ठीक है वैसे ही अदर फाइव फोर अदर्स हैं ठीक है अच्छा जी इंडिया की बात करें इंडिया में क्या है इंडिया में ये चीज़ चल रही है इस टाइम ये रजिस्ट्री चल रही है ये कंपनी चल रही है ये रजिस्ट्री चल रही है जो आप इसको समझ सकते हो जो बोल सकते हो वैसे इसको आर बोलते हैं ठीक हो गया रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री एपनिक एपनिक क्या APNIC है क्या है एशिया पैसिफिक आपका है एशिया पैसिफिक नेशनल इंटरनेट इंफॉर्मेशन सेंटर ठीक हो गया मैंने इसकी यहाँ पे फुल फॉर्म नहीं लिखी है ना नहीं लिखी क्या स्टैंड करता है आपके पास अपने एशिया पैसिफिक नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ओके ये आपके पास आइना की एक रजिस्ट्री है जो आपकी पैसिफिक जो न, आपकी एशिया कंटिनेंट है उसके अंदर अंडर जो है वो अपने नंबर्स नंबर्स असाइन करती है या इंटरनेट या प्रो, इंटरनेट प्रोटोकॉल या आईपी असाइन करती है ठीक हो गया इसने क्या किया हुआ आगे ऐपनिक ने क्या किया हुआ ये एक्चुअली तीन आईएसपी खुद हैंडल करती है और इसने आगे एन आ, दो एनआरआई बना दिए हुए हैं ठीक है एनआरआई नहीं है बट एनआईआर है ठीक है एनआईआर आई वन बना दिया है एनआईआर आई टू बना दिया है तो एनआईआर क्या स्टैंड करते हैं आपके पास नेशनल इंटरनेट रजिस्ट्री अच्छा जी बाक़ी जो तीन आई है मेरे एज़ पर मे नॉलेज उसको एपनिक जो है ख़ुद हैंडल करती है ठीक हो गया और इसने दो तो एन आई आर बनाई हुए जो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो है अपने नंबर नम, असाइन करती हैं ठीक हो गया ओके आगे चलें ओके अच्छा जी इंडिया की बात करते हैं तो अब आपके पास मैंने पहले आपको एन आई आर बताया ठीक है इंटरनेट रजिस्ट्री जो होती है आपकी जो एक स्पेसिफिक इकोनमी के लिए आपने के बनाई होती है ठीक है तो आपके पास जो एन आई आर चल रहा है इंडिया में उसको आई आर आई डबल एन बोलते हैं ठीक हो गया इसका क्या फुल फॉर्म क्या है कि आपके पास इंडियन रजिस्ट्री ऑफ इंटरनेट नेम एंड नंबर ठीक है तो आई आर आई India's provide इन इंडिया प्रोवाइड एलोकेशन एंड रजिस्ट्रेशन सर्विस ऑफ आई पी एंड ई एस नंबर ठीक हो गया जी और आप देखोगे तो आई आर आई एन का आपके पास ये लोग होगा आप इंटरनेट पे भी सर्च करते हो गूगल भी कर सकते हो कि आई आर आई एन लिख के वहाँ पर आपको इसकी ऑफिशियल साइट यहाँ पे बता देगा ठीक हो गया तो इंडिया में आपको जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड हो रहे हैं वो इसके थ्रू प्रोवाइड हो रहे हैं ठीक हो गया तो दैट्स so, ऑल ये मैं चीज़ आपको बताना चाहता था ताकि आपके नॉलेज में ये रहे अच्छा जी कुछ लोग यही चीज़ देख रहे होंगे ये ई एस नंबर क्या है सर ई एस नंबर क्या है ये आपको ऑटोनोमस सिस्टम नंबर होते हैं ये आप राउटर में यूज़ करते हो अभी इनका आप टेंशन मत लें फिलहाल आपने आई पी ड्रेसिंग समझनी है अभी ठीक हो गया सो दैट्स ऑल आगे चलें ओके, आईपी वर्जन फोर ओके मैंने आपको पहले बताया था अगर आप सो रहे हो ठीक है अगर आप सोने के मूड में हो तो प्लीज़ आप इस चीज़ को थोड़ा रेस्ट करके देखें क्योंकि मैं आपको आईपी पी ड्रेसिंग पढ़ाने जा रहा हूँ तो इट शुड बी अ बास्ट फील्ड ओके okay? आपको इसमें कन्फ्यूज़न नाम की इस चीज़ आई पी ड्रेसिंग में कन्फ्यूज़न नाम की आपके में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए ये चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ ठीक हो गया क्योंकि अगर आपने सी सी एन ए करना है तो आपको आई पी ड्रेसिंग की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है विदाउट इट मैंने पहले ही बताया आपको कि सी सी एन ए आप क्लियर नहीं कर सकते विदाउट आई पी ड्रेसिंग के ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आई पी ड्रेसिंग वर्जन फोर अच्छा जी क्या होती है आई पी एड्रेसिंग आपने दो दो पीसिस को इंटरनेट पे कम्युनिकेशन करवानी है जब आपने होम कम्युनिकेशन करवानी है तो आपको एक आई पी ड्रेस चाहिए विदाउट आई पी एड्रेस एक दूसरे के साथ आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते ठीक हो गया तो क्या होता है कि आई पी वर्जन फोर जो है ना आपके पास जो थर्टी टू विट का नंबर होता है आप एक नंबर ले लो मान लो आपके पास जीरो जीरो सेवन है मान लो ये आपका आई पी एड्रेस है ठीक हो गया तो ये आई पी एड्रेस जो होता है ना वो थर्टी टू विट का होता है ठीक हो गया तो रियल्टी में आई एड्रेस देखो कैसा होता है आपके पास रियल्टी में क्या होता है कि आपके पास इट हैज फोर ऑक्टेट फॉर एग्जाम्पल अच्छा जी ये आपके पास एक रियल आई पी एड्रेस होता है ऐसा होता है कब के आई एड्रेस ठीक हो गया क्या है वन नाइन टू डॉट वन सिक्सटी एट डॉट वन डॉट थ्री अच्छा जी इट हैज़ थ्री ऑक्टेट फोर ऑक्टेट सॉरी तो फोर ऑक्टेट का क्या मतलब है आप यहाँ पे डॉट देख रहे हो इस चीज़ को ऑक्टेट बोलते हैं ठीक है ये आपके पास फर्स्ट ऑक्टेट है ये सेकेंड ऑक्टेट है यहाँ से लेके यहाँ तक ये फोर्थ ऑक्टेट है और ये फिफ्थ ऑक्टेट है सॉरी फिफ्थ नहीं जाएगा यहाँ पे ये यह आपके पास फर्स्ट है ये आपके पास सेकंड है ये आपके पास थर्ड है और ये आपके पास फोर्थ है ठीक हो गया आपके पास ये फोर ऑक्टेट होते हैं ठीक है एक आई पी एड्रेस में एच ऑक्टेट इज डिवाइडेड इनटू एट बिट्स ओके आपके पास मान ले ये 192 ये 192 ये वन जो बंदा है ना इसकी आप वैल्यू देखोगे ना तो ये एट बिट का होगा समझ आ गई ठीक है वैसे ही सेकेंड ऑक्टेट में वन वन सिक्सटी एट ये ये भी एट बिट का होगा थर्ड ऑक्टेट में ये भी एट बिट का होगा थ्री ये भी एट बिट का होगा ठीक हो गया तो मतलब क्या हो आपके पास फोर ऑक्टेट है फोर मल्टीप्लाई बाई एट कितना हुआ जी आपके पास थर्टी टू मैंने पहले बताया आपका आई एड्रेस थर्टी टू बिट का होता है समझ आ गई अच्छा जी आगे चलें ईच ऑक्टेट हैज वैल्यू जीरो टू टू फिफ्टी सिक्स ओके okay. तो आपके ऑक्टेट में ना ये वैल्यू हो सकती है जीरो से लेके टू फिफ्टी सिक्स वैल्यू हो सकती है मान लें यहाँ वन नाइन्टी टू है इसकी जगह जीरो भी हो सकता है जीरो के वन भी हो सकता है टू भी हो सकता है थ्री भी हो सकता है ठीक है चलते चलते ये आपके पास टू फिफ्टी सिक्स तक वैल्यू जाती है क्यों जाती है कैसे जाती है हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ के बारे में यही तो हमने आईपे डेस्टिंग में पढ़ना है ठीक है तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि एक ऑक्टेट में जो मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है वो आपके पास 256 जा सकती है जीरो से लेके 256 एक्चुअली ये होता है कि ये 255 तक ही जा सकती है 256 तक नहीं जा सकती है. क्योंकि हम जीरो से काउंट कर रहे हैं ना जीरो से काउंट कर रहे हैं तो ये यहाँ पे मैक्सिमम 256 फिफ्टी सिक्स जाएगी देखिए टू फिफ्टी सिक्स यहाँ पे आपको कभी शो नहीं होगा यहाँ पे ना लिखा हुआ थ्री थ्री की जगह आपको कभी ऐसा नहीं लिखा हुआ मिलेगा टू ये कभी नहीं हो सकता ठीक है आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगी ना ये यहाँ पे 255 ही बनेगी क्योंकि हम जीरो से काउंट कर रहे हैं तो ये 255 नंबर बनेंगे ठीक हो गया तो यहाँ पे मैंने आपके पास एक और एग्जांपल बना दिया है कि आपके पास जो मैक्स ये एक आईपी एड्रेस है समझ आ गई तो ये आपके पास देख रहे हो यहाँ पे भी आपकी वैल्यू जीरो से ले ज़ीरो से लेके कर टू के बीच में है यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी दैट इज़ द आई एड्रेस समझ आ गई ओके आगे चलते हैं ओके कुछ लोग ना पहले क्या करते हैं कि आपके पास सब कुछ इकट्ठा समझा देते हैं मैंने वो चीज़ नहीं की आपको मैं चाहता हूँ कि आप कन्फ्यूज़ ना हो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ पहले समझाई ठीक है तो आई एड्रेसिंग जो होती है ना आई पी वर्जन फोर जो होता है उसकी फाइव क्लासेज होती हैं ठीक हो गया वो कौन कौन सी क्लासेज होती हैं लेट अस डिस्कस फर्स्ट ए क्लास आएगी ए क्लास में क्या होगा आपके पास जो मैंने आपको लिमिट बताई ना ज़ीरो से लेके टू फिफ्टी सिक्स क्योंकि हम जीरो से काउंट करें तो यहाँ पे 255 तक वैल्यू आएगी ठीक है तो ओके ए क्लास में क्या आपके पास जो रेंज होती है ना ए क्लास की वो ज़ीरो से लेके 126 तक होती है समझ आ गई इससे क्या मतलब है कि आप आपकी जो क्लास होगी ना ए क्लास होगी उसमें आपकी जो रेंज होगी ना वो ज़ीरो से ले कर अगर मैं ये लिख दूँ वन डॉट टू डॉट थ्री डॉट ज़ीरो आपके पास फोर ऑक्टेट बन गए ये जीरो नहीं आ सकती ये आईपी एड्रेस नहीं हो सकता कभी भी पर वन आ जाता है ठीक है तो मैं बोलूँ ये आपके पास आईपी एड्रेस किस क्लास का है तो आप बोलोगे भैया ये ई क्लास का नहीं है क्योंकि आप यहाँ पर देखो आपके पास वन ट्वेंटी सिक्स से ऊपर वैल्यू नहीं जा सकती ठीक है दैट इज़ नॉट आई ई क्लास आई पी एड्रेस समझ आ गई अच्छा जी बी क्लास 128 से लेके 191 अब आप ये आईपी एड्रेस देखो और बोलो यहाँ पे वन नाइन है तो भैया ये तो बी क्लास का आईपी एड्रेस है समझ गई आगे चलें तो सी क्लास 192 से लेके 223 तक ठीक हो गया तो ये आपके पास सी क्लास का ड्रेस है ओके डी क्लास डी क्लास में 224 से लेके 239 थ्री नाइन तक का वैल्यू आती है थी आपकी ठीक है और ई e क्लास 240 से लेके 255 तक ठीक हो गया आप ये जीवनी याद करो रट लो समझ लो ये आपकी मर्जी है आपकी इच्छा आपने जैसे करना है बट अगर ये आपको ये चीज़ें ये, ये पांच वैल्यू जो आपके पास पांच क्लासेस की रेंज आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए अगर आपको ये याद नहीं है तो आपको सी सी एन ए करने का या नेटवर्किंग पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है समझा कि इट शुड बी आई कैन से दैट मैटर ऑफ शिम फॉर यू गाइज ओके अगर आपको आई पी ड्रेसिंग याद नहीं है तो आप पानी में डूब के मर जाओ कोई फायदा नहीं है आपका ठीक है तो ये चीज़ें आपको ये लिमिट आपको ये रेंज आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए समझ आ गई ओके तो अच्छा जी यही जो दो क्लासेस होती हैं ना आप बेसिकली इनको यूज़ नहीं करते अपनी लैन में या आप लैन में नहीं यूज़ कर सकते आप इंटरनेट के लिए यूज़ नहीं कर सकते क्यों नहीं यूज़ करते क्योंकि डी क्लास जो होती है ना वो मल्टी कास्ट के लिए रिजर्व होती है डोंट आस्क मी व्हाट इज मल्टी कास्ट और आई ऑलरेडी डिस्कस इट अगर आपको नहीं पता है तो आप पीछे जाके लेक्चर को रिव्यू करें ठीक हो गया और जो लोग पीछे से पढ़ के आ रहे हैं उनको पता है कि मल्टी कास्ट क्या चीज़ होती है समझा समझागी तो इसलिए मैं आपको पहले बेसिक चीज़ें क्लियर करवा रहा हूँ पीछे से ओके ये तो ई क्लास क्या है ये आपके पास रिसर्च के लिए रिजर्व होती है या आपके पास फ्यूचर यूज़ के लिए रिजर्व होती है ठीक है तो बेसिकली हम इन इनको यूज़ नहीं कर सकते क्यों यूज़ नहीं कर सकते ये रीज़न मैं आपको शायद सेकंड लेक्चर में पूरी तरह समझा पाऊंगा इस चीज़ के बारे में ठीक है कि हम इन चीज़ों को क्यों यूज़ नहीं कर सकते हम इनका ना सर प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे कि हम इन चीज़ों को यूज़ क्यों नहीं कर सकते ठीक है लोग तो बेसिकली बता देते हैं कि भैया हम यूज़ नहीं कर सकते इन चीज़ों को पर हम करेंगे एक्चुअली क्यों यूज़ नहीं कर सकते ठीक हो गया तो ये तीन चीज़ें हैं तीन क्लासेज हैं तीन आपको इन चीज़ों तीनों की रेंज याद होनी चाहिए ठीक हो गया ओके अच्छा जी आगे चलते हैं ये देखिए मैंने आपको पहले कुछ पूछना था बट मैंने सोचा आगे पूछते हैं ओके okay जी ये इससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा ठीक है तो ईच आई पी एड्रेस इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट समझ आ गई अगर मैं आपको कोई ये आई पी एड्रेस टू टेन डॉट टू डॉट वन डॉट जीरो नहीं टेन दे देता हूँ ठीक हो गया? तो आपके पास जो एड्रेस है ना दो चीज़ों में डिवाइड होता है एक आपके पास नेटवर्क आई होती है और एक के पास होस्ट आई होती है नेटवर्क आई क्या होती है जिनको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं? रिजर्व होती हैं ठीक है और होस्ट आई क्या होती है जिनको आप एड्रेसिंग देने के लिए यूज़ करते हो ठीक हो गया जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल ओके ओकेज्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि मान लें आपके स्कूल में बीस बच्चे हैं एक क्लास में बीस बच्चे हैं ओके ये मान लें आपके पास सिक्स क्लास है ठीक हो गया सिक्स क्लास का आपके पास एक और बैच चलता है उसके उसके में भी आपके पास दूसरे ब्लॉक में आपके पास सेक्शन ब्लॉक सेक्शन बोल सकते हो या ब्लॉक बोल सकते हो ठीक है उसमें भी ट्वेंटी स्टूडेंट्स हैं ठीक है और तीसरा चलता है जी उसमें भी ट्वेंटी स्टूडेंट हैं ठीक है और एक फोर्थ भी चल रहा है उसमें आपके पचास स्टूडेंट हैं ठीक है ठीके? तो आप इन सबको काउंट करें कितने बनते हैं सिक्सटी ये सिक्सटी बनते हैं और ये पचास बनते हैं ठीक है इन दोनों को ऐड करें आपके पास तो आपके पास बन जाएंगे वन टेन ठीक है तो समथिंग कॉल दैट कि अगर आप सिक्स क्लास के एक क्लास रूम में एक सौ दस बच्चे बिठा दें तो भैया ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है एक टीचर इन एक 110 बच्चों को कैसे पढ़ा सकता है समझा कि तो आपको क्या करना होता है कि आप आई पी ड्रेसिंग कुछ ए, ऐसी ही चीज़ है ठीक हो गया इसलिए ये क्लासेस डिवाइड हुई पहले की बात ये चीज़ें क्लासेस क्यों डिवाइड हुई क्योंकि ये चीज़ इतनी बड़ी हो जाती थी ना आपके पास जो ट्रिलियन की इन, एज ए ट्रिलियन में जो आईपी एड्रेसेस हैं ठीक है इस टाइम वर्ल्ड में ठीक है तो इन ट्रिलियन की गिनती में अगर आपने किसी एक बंदे को ढूंढ रहे हैं तो भैया ये चीज़ तो बहुत मुश्किल है ठीक है आ, आप न, कुछ लोगों को पढ़ा सकते हो आप एक सौ दस बच्चों को इकट्ठे नहीं पढ़ा सकते समझाएंगे तो इसीलिए इन्होंने पहले क्लासेस डिवाइड की क्योंकि भैया इतने सारे आई पी ए हो जाएंगे तो हमें मैनेज करना मुश्किल है तो ये चीज़ें तीन क्लासेस पहले ही डिवाइड होगी इसीलिए ठीक है तो उसके बाद क्या हुआ हर एक की एक नेटवर्क का आईडी होती है एक होस्ट आईडी होती है ठीक है जैसे कि मान लें एक बच्चे हैं और वो सिक्स क्लास के स्टूडेंट हैं ठीक है तो मैं क्या करूँगा एस सी सिक्स ए अब अगर मैंने किसी को ये रोल नंबर देना होगा ना तो मैं क्या करूँगा कि या फिर इन डिजिट को रहने देते हैं ऐसे करते हैं आपके पास ओ, हुँ, हुँ, ये आपके पास सिक्स ए अच्छा जी अब आप आपके पास एक क्लास में मैंने पहले बताया आपके पास ट्वेंटी स्टूडेंट थे ठीक है तो अगर आपने अब आप रोल नंबर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो आप कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओके सिक्स ए टू ठीक होगा समझा गई मतलब कि आपके पास सिक्स क्लास में ए क्लास का फर्स्ट बैच है ठीक है और उसमें फर्स्ट बैच में से फर्स्ट रोल नंबर है स्टूडेंट का ओके और दूसरे से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये देखिए इस यहाँ पे ए सेक्शन का स्टूडेंट है और इसका रोल नंबर दो है ठीक है आप ऐसे ए करके थर्ड बंदी को भी अपना रोल नंबर दे सकते हो थर्ड वन स्टूडेंट को भी रोल नंबर दे सकते हो ठीक है आप बात करते हैं बी सेक्शन की तो आप बी सेक्शन में रोल नंबर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो सिक्स क्लास बी रोल नंबर वन बी रोल नंबर टू अगर आपके पास सी सेक्शन का स्टूडेंट है तो सी वन कर सकते हो ठीक है सी टू कर सकते हो और यहाँ पे आपके पास डी या डी की सेक्शन है तो आपके पास डी वन कर सकते हो डी टू कर सकते हो ठीक है दैट्स द मेन रीज़न कि हम अपनी हमने क्लासेस क्यों डिवाइड की क्योंकि भैया इतने आपके पास इतने ए पी हैं मैनेज करना मुश्किल थे तो इन्होंने आगे क्लासेस डिवाइड कर दी ठीक है तो हर एक आई पी ड्रेस का नाम आपके पास दो पोर्शन होते हैं एक नेटवर्क पोर्शन होता है और आपके पास होस्ट पोर्शन होता है ठीक है तो जैसे ये चीज़ थी सिक्स ए वन ये बंदे का नंबर ये रोल नंबर था लड़के का रोल नंबर था ठीक है जो स्टूडेंट का रोल नंबर था और आगे आप देख रहे हो तो ये आपके पास जो आइडेंटिफिकेशन थी कि ये किस क्लास का बच्चा है दैट्स द मेन रीज़न ओके अब हमने रेंज बढ़ ली है ठीक है तो मैं आपको आईपी ड्रेसिंग पे लेके चलता हूँ मैम ने रेंज पढ़ ली कहाँ से लेके कहाँ तक थी जी ए क्लास की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है जिन स्टूडेंट को याद होगी है बहुत अच्छी बात है जिनको नहीं हुई प्लीज़ 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 गो थ्रू करें पीछे जाके ठीक है अगर नहीं होगा तो प्रॉब्लम है आपके लिए कैसी होगी आपके पास ज़ीरो से लेके 127 या 126 तक सिक्स तक लेते हैं अब जब सेवन नहीं लेंगे सेवन का कैसे अभी हम समझेंगी कुछ बच्चों के दिमाग में कंसेप्ट आ रहा होगा भैया सेवन क्यों नहीं लेंगे वन ट्वेंटी सेवन क्यों नहीं लेंगे तो मैं इसका कंसेप्ट भी समझाऊंगा आपको तो, ठीक है तो मेरे ख्याल से आपको नेक्स्ट लेक्चर में देखने को मिलेगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये लेक्चर इतना बड़ा हो जाएगा तो मुश्किल है तो मैंने इसीलिए इसको दो लेक्चर्स में डिवाइड करके पढ़ाऊंगा आपको ठीक है तो वन ट्वेंटी सिक्स तो अच्छा जी इसके बीच में होती है रेंज ठीक है समझ आ गई तो मैं एड्रेसिंग लेता हूँ टेन डॉट वन डॉट वन डॉट ट्वेंटी ये मैंने आई पी एड्रेस ले लिया ठीक है जी तो भैया मैंने ये चीज़ है कि आपके पास नेटवर्क आई डी है और होस्ट आई डी है तो नेटवर्क आई डी क्या आप ए क्लास में देख रहे हैं मैंने ए क्लास का आई पी एड्रेस लिया ठीक है तो ए क्लास में क्या है आपके पास फर्स्ट ऑक्टेट जो होता है ना वो नेटवर्क आई डी होती है तो टेन आपका क्या है आपकी नेटवर्क आई डी है समझ आ गई और ये तीनों चीज़ें होस्ट को रिप्रेजेंट करती हैं तीनों ऑक्टेट होस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे समझ आ गई नीचे देखें तो आपके पास यहाँ पे यहाँ पे मैं टेन लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं वन लिख लेता हूँ यहाँ पे भी वन और यहाँ पे ट्वेंटी ये आपका आई पी एड्रेस बन गया और नीचे देखें तो आपके पास ये नेटवर्क आई डी है आप इस चीज़ से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो कि ए क्लास में जो नेटवर्क आई डी होती है ना वो उसका फर्स्ट ऑक्टेट होता है ठीक हो गया अच्छा जी बी क्लास पे चलते हैं मैंने बी क्लास को आपको आई पी एड्रेस बताया जी वन ट्वेंटी एट डॉट वन डॉट वन डॉट टेन ओके जी यह आपके पास बी क्लास का आईपी एड्रेस है तो इसमें बी क्लास में देखें आपके पास फर्स्ट टू ऑक्टेट होते हैं वो नेटवर्क आईडी के लिए रिजर्व होते हैं ठीक है फर्स्ट टू ऑक्टेट तो मतलब वन ट्वेंटी एट डॉट वन ये आपका नेटवर्क आईडी है और बाकी की आपकी होस्ट आईडी हो जाएंगी ठीक हो गया आगे देखें आपके पास सी क्लास है सी क्लास का आपके पास एग्जाम्पल लेता हूँ मैं 192.168.1.5 ये मान ली आपके पास सी क्लास का आई एड्रेस है ठीक हो गया तो आपके पास देखिए फर्स्ट ऑक्टेट सेकंड ऑक्टेट थर्ड ऑक्टेट नेटवर्क आईडी के लिए रिजर्व है मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी जो आईपी ड्रेसिंग होगी ठीक है तो आपका आईपी पी एड्रेस होगा वो नेटवर्क आईडी के लिए रिजर्व होगा ठीक है आगे आगे, आगे आपके पास होस्ट हो गया ठीक हो गया तो मतलब क्या है नेटवर्क आईडी का मतलब क्या है कि आप इन बिट्स को घुमा नहीं सकते आप इनको चेंज नहीं कर सकते ठीक हो गया इनका एक कंसेप्ट और भी होता है फॉर एग्ज़ाम्पल ले, ये आपके पास एक पीसी है ये आपके पास एक पी है ठीक है इन दोनों ने आपस में कम्युनिकेशन करनी है भैया दोनों को आई एड्रेस चाहिए ठीक है इतनी बात तो मेरे ख्याल से सब समझते होंगे अब इस नेटवर्क का आईडी और होस्ट आई का मतलब क्या है अगर इसके पास एक आई एड्रेस है मान ली इसके पास ए क्लास का आई एड्रेस है इसके पास भी ए क्लास का आई एड्रेस है ठीक है तो आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं ठीक है अगर इसके पास बी इसके पास ए क्लास का आईपेडेस है इसके पास बी क्लास का आईपेडेस है भैया ये कम्युनिकेशन नहीं कर सकते ठीक हो गया एक तो हो गया ये कंसेप्ट कि इसके पास भी ए क्लास का है इसके पास भी ए क्लास का है ठीक है ये तो था बेसिक कंसेप्ट भैया ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं इसके पास ए का है इसके पास बी का है भैया ये कम्युनिकेशन नहीं कर सकते अब मैं थोड़े आपको एडवांस लेवल पर लेके चलता हूँ भैया इसके पास एक क्लास का आई पी एड्रेस है और इसके पास भी एक क्लास का आई पी एड्रेस है भैया ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते इसके पीछे ये लॉजिक होता है आपके पास नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी ठीक है अब मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ टेन डॉट वन डॉट वन डॉट ट्वेंटी इसके पास एक आईपीड्रेस इस नाम का एड्रेस है ठीक है अब इस बंदे के पास आईपीड्रेस है जी टेन डॉट सॉरी ट्वेंटी डॉट वन डॉट वन डॉट ट्वेंटी ठीक है क्या ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं कुछ लोग बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं ठीक है क्योंकि इसके पास भी एक क्लास का आई एड्रेस है इसके पास भी एक क्लास का आई एड्रेस है क्योंकि आप रेंज देख रहे हो ठीक हो गया कि जीरो से लेके वन, वन ट्वेंटी सिक्स तक या वन ट्वेंटी सेवन तक होती है ठीक है और इसकी रेंज इसकी भी मतलब एक क्लास के आई एड्रेस हैं दोनों तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं ठीक है जिन्होंने बोला हाँ वो गलत है कैसे गलत हैं क्योंकि यहाँ पे आपके पास नेटवर्क आई और होस्ट आई का चक्कर होता है ठीक है यहाँ पर आप नेटवर्क आई देखो मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास फर्स्ट ऑक्टेट में नेटवर्क आई आपके पास ए e क्लास में फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क आईडी होती है मतलब क्या है इसके पास नेटवर्क आईडी 10 है और इसके पास नेटवर्क आईडी 20 है यहाँ पे आपके पास नेटवर्क आईडी अलग अलग डिफरेंट हो वहाँ पे आपके आई आप पी एक दूसरे का कम्युनिकेशन नहीं कर सकते ये चीज़ याद रखनी है कभी भूलनी नहीं है ठीक है ये दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कब कर सकते हैं जब इसकी भी नेटवर्क आई डी सेम है और इसकी भी नेटवर्क आई डी सेम है नेटवर्क ठीक हो गया दोनों की नेटवर्क आई डी सेम है तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं ठीक हो गया जब एक दूसरे की नेटवर्क आई डी सेम नहीं है और वो सेम क्लास में एग्जिस्ट करते हैं भैया वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते ठीक है कोई लोग सोच रहे होंगे सर ने तो हमें मजाक बना दिया ठीक है पहले बोल रहे थे खुद ही की कर सकते हैं आप बोल रहे नहीं कर सकते तो भैया मैंने आपको पहले वो एक सिंपल सा कंसेप्ट समझाने के लिए वो डायग्राम बनवाया था ताकि आप एक सिंपल सी चीज़ समझ जाओ कि ए, एक ए क्लास वाले ए के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं बी वाले बी के साथ और सी वाले सी के साथ ये क्लासेस एक, क्लासे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकती एक दूसरे के आईपी पीडेस्ट के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकती समझ आ गई एक लास्ट में अगर आपके पास दोनों डिवाइसेस के पास सेम नेटवर्क है ठीक है सेम नेटवर्क आईडी है तो वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं ठीक है होस्ट आईडी भले जो मर्जी होती रहे अगर इसके पास टेन जो फर्स्ट ऑक्टेट की आईडी है और इसकी जो फर्स्ट ऑक्टेट की आईडी डी है तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं बाकी होस्ट आई जो मर्जी होती रहे ठीक हो गया तो डैट्स ऑल अगर आपके पास यहाँ पे मैं बता देता हूँ अगर आपके पास यहाँ पे सी क्लास का आई पी एड्रेस है वन नाइन्टी एट डॉट वन सिक्सटी एट सॉरी वन नाइन्टी टू लेते हैं यहाँ पे डॉट वन डॉट फिफ्टी आई पी एड्रेस है आपके पास ठीक है और दूसरी तरफ आपके पास आई पी एड्रेस है वन नाइन्टी टू डॉट वन सिक्सटी एट डॉट वन डॉट ट्वेंटी तो भैया के एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि क्या है आपके पास आप सी क्लास में देखो आपके पास थ्री नेटवर्क थ्री ऑक्टेट जो होते हैं वो नेटवर्क आईडी के लिए रिजर्व होते हैं ठीक हो गया मतलब आप इनको इनको चेंज नहीं कर सकते है, ठीक है आप आगे इस चीज़ को चेंज कर सकते हो ठीक है तो वैसे यहाँ पर आपके पास ये तीनों सेम है मैच हो रही हैं तो एक दूसरे के साथ आप कम्युनिकेशन कर सकते हो देट इज़ अ सिंपल कंसेप्ट यही चीज़ थी ये मतलब था मेरा इस चीज़ को समझाने का समझ आ गई को समझ नहीं आई वो फिर से एक बार गो थ्रू करें और वीडियो को बैक रिपीट करके देख सकते हैं ठीक हो गया ओके okay. हम इन चीजों को अभी छेड़ेंगे नहीं ये चीज हमने इतनी पढ़ाई भी नहीं जाती इतने रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते बट फिर भी हम इस चीज को थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे ठीक हो गया तो बेसिकली जो कंसेप्ट होता है वो इन तीन क्लासेस के ऊपर होता है ओके okay. ओके okay. अब पहले मैंने आपको रेंज तो बता दी अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपके पास फोर ऑक्टेट्स में वैल्यू कैसे आएगी ठीक है जीरो से ज़ीरो से लेके 127 तक पहली जो आपके पास क्लास है उसकी वैल्यू यहाँ तक होती है ठीक है इसकी चीज़ को कॉन नहीं किया जाता है ये एक सिंगल बंदा होता है ठीक है एक सिंगल जो आप बोल सकते हैं वन ट्वेंटी जो होता है वो सिंगल बंदा होता है कि? किसके लिए होता है आगे देखेंगे हम इस चीज़ को ठीक है तो ये इसकी रेंज होती है ये मैंने आपको पहले बताया आपको 256 फिफ्टी सिक्स कहीं नहीं दिखेगा क्योंकि okay, हम जीरो से लेके स्टार्ट करते हैं ठीक है तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम जो होगा वो 255 दिख सकता है इससे ज़्यादा नहीं दिख सकता ठीक हो गया तो यहाँ से लेके 127 से लेके 125 225 225 टू टू फाइव यहाँ तक आपकी वैल्यू जाएगी दूसरी क्लास जो स्टार्ट होती है जो मैंने पहले बताया आपको 128 से स्टार्ट होती है और ये चीज़ देखें आप येलो कलर की आ रही है कि क्यों आ रही है क्योंकि आपके पास यहाँ पे देखें ये देखिए नेट आईडी लिखा हुआ है ठीक है ये चीज़ जो दो आपके पास आगे के दो अपडेट हैं वो होस्ट आई के होंगे ठीक है और इसकी मैक्सिमम रेंज कहां तक जाएगी वन नाइनटी वन से तक वन नाइनटी वन डॉट टू फाइव फाइव डॉट टू फाइव फाइव डॉट टू फाइव फाइव अगर जब आपके पास यहाँ पे टू फाइव फाइव आया था ना तो आप उसमें एक ऐड करके आगे उसको जीरो बना देते हो ठीक हो गया तो ऐसे चेंज होके मान ली यहाँ पे टू फाइव फाइव आ गया अगर आप इसमें एक और ऐड होना है तो यहाँ पे वन नाइन्टी टू हो जाएगा तो वन नाइन्टी टू अगली क्लास स्टार्ट हो जाएगी ठीक हो गया तो यहाँ से थ्री सी क्लास में देखें मैंने आपको बताया कि आपके पास तीन ऑक्टेट नेट आईडी के लिए होते हैं और एक ऑक्टेट आपका होस्ट आईडी के लिए होता है इसकी मैक्सिमम रेंज कहाँ तक जाती है टू टू थ्री डॉट टू फाइव फाइव डॉट टू फाइव फाइव डॉट टू फाइव फाइव ठीक हो गया ये इसकी मैक्सिमम रेंज है और इसकी नेटवर्क आई ये है ओके डी क्लास में आपको इतना जाने की जरूरत नहीं है पर बेसिकली ये है कि आपके पास 255 और यहाँ पे जो मैक्सिमम 239 और मैक्सिमम जो वैल्यू अब क्या आएगी ठीक है और यहाँ से आपकी 240 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम 255 फाइव फाइव टू फाइव फाइव टू जाएगी ठीक है इसलिए आगे आप आई पी एड्रेस नहीं यूज़ कर सकते क्यों नहीं यूज़ कर सकते है? ये क्वेश्चन राइज होता है भैया क्यों नहीं यूज़ कर सकते है? तो शायद मैंने आपको बाइनरी सिस्टम पढ़ाना अभी ठीक है रात में तो हम उसमें यार डिस्कस करेंगे भैया ये चीज़ क्यों यूज़ नहीं कर सकते ठीक हो गया तो आगे चलें ओके सब नेट मास्क हमने आईपी एड्रेसिंग पढ़ी ठीक है आईपी वर्जन फोर पढ़ा आईपी वर्जन फोर क्या हम पास थर्टी टू बिट का आपके पास आईपी एड्रेस होता है उसमें फ़ोर ऑक्टेट होते हैं ठीक है हर एक ऑक्टेट में आपके पास एट बिट्स होते हैं ठीक हो गया और आगे हमने अपनी क्लासेस पढ़ी क्लासेस पाँच हैं आपके पास उनकी रेंज देखी हमने ठीक है उनकी फिर हमने एक्चुअल रेंज देखी बना के कैसे बनती है ठीक हो गया एक ऑक्टेट में मैक्सिमम वैल्यू टू फाइव फाइव हो सकती है टू फिफ्टी सिक्स कभी नहीं हो सकती ठीक है आगे चलते हैं हम सबनेट मास्क सबनेट मास्क क्या होता है कि आपके पास ये भी एक थर्टी टू बिट का लॉजिकल एड्रेस होता है या नंबर होता है एज लाइक आपके आई पी वर्जन फोर के साथ ही ठीक है तो होता है आपके पास पोर्शन पोर्शन ऑफ ऑफ नेटवर्क एंड होस्ट तो क्या होता है आपके पास मान ली ये मैंने एक आई पी एड्रेस लिया वन डॉट टेन डॉट वन डॉट वन डॉट फिफ्टी मैंने ये आई पी एड्रेस ले लिया ओके आई पी एड्रेस लेने से क्या होगा अगर मैंने इसके साथ अपना सपरेट मास्क निकालना है ना तो मुझे पता है आपकी मेरी जो क्लास है ना उसकी जो <coughs> एक क्लास की मुझे पता है कि मेरी जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है ना वो मेरा नेटवर्क के लिए होता है ठीक हो गया तो मैं यहाँ पे टू फाइव फाइव लिखूँगा सबर मास्क इस फॉर्म में लिखा जाता है ठीक है बाकी होस्ट के लिए है तो मैं इनको ज़ीरो कर दूँगा दैट्स कॉल सब मास्क ठीक है एक बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि आपके पास एवं मास क्या चीज़ होती है क्या होती है ये आपकी नेटवर्क की आइडेंटिफिकेशन कराता है कि आपका जो आई एड्रेस है वो किस नेटवर्क से बिलोंग करता है दैट्स इट ठीक है आगे अगर आपके पास यहाँ पे 128 नाम का आई एड्रेस है डॉट वन डॉट वन डॉट टू फिफ्टी अगर आपके पास ये आई पी एड्रेस है तो ये आपके पास बी क्लास का आई पी एड्रेस है तो इसको आपको पता है आपके दो बिट्स हैं जो दो ऑक्टेट्स होते हैं आपके पास बिट्स नहीं पर दो ऑक्टेट्स जो होते हैं आपके पास जो रिज़र्व होते हैं ठीक हो गया तो आपके पास यहाँ पे न, क्या आएगा टू फाइव फाइव डॉट टू फाइव फाइव डॉट ज़ीरो डॉट ज़ीरो दिस इज़ अवस्क ओके अगर आपके पास कोई सी क्लास का आई एड्रेस है वन नाइनटी टू यहाँ पर ले लेता हूँ मैं ठीक है डॉट वन सिक्सटी एट डॉट टेन डॉट टू यहाँ पर डॉट नहीं लगाया मैंने ओके okay? अगर आपके पास इस क्लास का आई एड्रेस है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ये सी क्लास का आई एड्रेस है और इसके जो तीन ऑक्टेट जो होते हैं वो रिजर्व होते हैं नेटवर्क के लिए ठीक है तो आपके पास ये सब मास्क बन जाएगा टू फाइव फाइव डॉट टू फाइव फाइव डॉट टू फाइव फाइव डॉट ठीक ओके डॉट जीरो ओके अच्छा जी इससे आगे जाएंगे अगर हम डी क्लास में चले जाएंगे तो क्या होगा चारों के चारों आपके पास जो ऑक्टेट होंगे ना वो रिजर्व हो जाएंगे यहाँ भी टू फाइव फाइव हो जाएगा भैया होस्ट के लिए क्या बचेगा होस्ट के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं आप अपने पी स नहीं अटैच कर सकते फिर किसी किसी भी सिचुएशन में अटैच नहीं कर पाओगे अगर आपने करने भी दिए तो आपके आई पीडर से एक दूसरे साथ कम्युनिकेशन नहीं करेंगे दैट्स द मेन रीज़न कि हम भैया डी ग्लास यूज क्यों नहीं करते क्योंकि वहाँ भी आपके पास होस्ट के लिए बचता ही नहीं है कुछ ठीक हो गया आपको आईपेड्रेस ही नहीं मिलेगा को कोई भी इसलिए हम कभी डी ग्लास नहीं यूज़ कर सकते ठीक हो गया आगे चलें तो आपको सबने मास का मेरे ख्याल से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा ठीक है तो आगे चलें अच्छा जी आपको ये चीज़ आनी ज़रूरी है ठीक है अगर आपने सबने टेक्न समझनी है तो आपको ये चीज़ आनी बहुत ज़रूरी है क्या देखा हमने हमने आई पी वजन फोर देखा थर्टी टू बिट का होता है जी ठीक है उसमें फोर ऑक्टेट होते हैं हर ऑक्टेट में एट बिट्स होते हैं ठीक हो गया अच्छा जी एट बिट्स का मतलब क्या है उनका मतलब ये है कि आपके पास जो बाइंड्री होती है वो इस फॉर्म में होती है मैंने पहले भी शायद मैं आपको बता चुका हूँ वन ज़ीरो वन जीरो वन ज़ीरो वन जीरो वन ज़ीरो ठीक हो गया तो ये चीज़ होती है आपके पास कि ये बाइंडरी में अंडरस्टैंड करता है इस चीज़ को ठीक है अच्छा जी कंप्यूटर बाइनरी में अंडरस्टैंड करेगा तो बेसिकली हमें भी पता होना चाहिए इस चीज़ की बाइनरी क्या बनेगी ठीक है तो ये एक बेसिक है आपके सबनेटिंग का बेसिक है ठीक है मैंने आपको इसीलिए सबन एटिंग यहाँ पर नहीं पढ़ाई मैं पढ़ाने को यहाँ भी पढ़ा सकता था पर मैंने इसलिए इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ ठीक है तो पहले आपको थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाए उसके बाद हम सबनेटिंग को स्टार्ट करेंगे ठीक है तो बेसिकली आई सी एन डी बन में स्टार्ट होगी ठीक है यहाँ पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी तो क्या आता है अच्छा जी स्टार्ट करते हैं हम ए से हमने बाइनरी बनानी है ए क्लास की तो आपके पास एक सिंपल सा मेथड है ठीक है आपने ये है, ये ऐसा ये मेथड यूज़ करना है यहाँ पे वन लिख लिया उसके बाद टू लिख लिया उसके बाद फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू सिक्सटी फोर और वन ट्वेंटी एट ठीक है ये मेथड मैंने नहीं बनाया ठीक है ये बेसिकली एक प्री डिफाइन रूल है हर बंदा आप देखोगे नेटवर्किंग में बाइनरी जो भी बना रहा होता है वो इसी मेथड को यूज़ करता है ठीक है हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क में नहीं जाएंगे सिंपल सी बात है ठीक है तो हमें बाइनरी बनानी है तो हम बाइनरी कैसे बनाएंगे ठीक है आपको पता है फोर ऑक्टेट होते हैं फोर ऑक्टेट में हर एक ऑक्टेट में आपके पास एट बिट्स होते हैं ठीक है तो आप काउंट करके देखोगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट आपके पास टोटल एट प्लेसेज हैं ठीक हो गया तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमने टेन की बाइंड्री बनानी है ठीक है तो भैया कैसे बनाएंगे आपके पास यहाँ पे देखें आपके पास एट है और आपके पास टू है दोनों को आप जोड़ें कितना बनता है आप इनको ऐड करें तो कितना बनता है जी आपके पास टेन बनता है ठीक है ओके जिन आ, आपके पास फोर और सॉरी एट और टू को ऐड करके टेन बना ठीक है तो वहाँ पे आपने वन वन लिख देना है यहाँ पे भी वन लिख दिया यहाँ पे भी वन लिख दिया और बाकियों को आपने जीरो कर देना है यहाँ पे भी जीरो बना दी यहाँ पे भी जीरो बना दी यहाँ पे भी जीरो बना दी ठीक हो गया आपके पास एक ऑक्टेट आ गया जीरो 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 वन जीरो वन जीरो ठीक हो गया आपके पास एक ऑक्टेट आ गया आगे गया। आ आपने डॉट लगाना है ठीक है अब आपने सेकंड ऑक्टेट बनाना है वन आपको पता है वन कहाँ है वन यहाँ पे है ठीक है तो अब आपने क्या करना है आपने यहाँ पे वन कर देना है ठीक है इसको हटा दो आपने यहाँ पे वन कर देना है और बाकी सभी को जीरो कर देना है ठीक है तो बाकी कितनी प्लेसेस पर जी जी सात बजी एक दो तीन चार पाँच छ और ये सर ठीक है अब के पास दूसरा भी बन गया ठीक है अच्छा जी अब आपने तीसरा आना है जी बिल्कुल टेन की जैसे हमने पहले बनाई थी वैसे ही बनेगी ये वाली और बाकियों को ज़ीरो कर देना है अच्छा जी आगे आपने टू का बनाना है टू के लिए आपके पास आप देख रहे हो आपके पास यहाँ पे टू है ठीक है तो आपने यहाँ पे एक कर देना है और बाकियों के ऊपर जीरो कर देना है यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो और यहाँ भी जीरो ठीक हो गया यहाँ पे आपने टू की जगह टू बना दिया क्या बनेगी आपके पास जीरो वन जीरो 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 कितनी होगी एक दो तीन चार पाँच छः सात और एक आठ आपके पास वाइनडी कुछ इस टाइप की बन जाएगी ठीक हो गया दिस इज द मेन मोटिव ओके आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं ठीक हो गया आप तो आपको जितनी होगी इनकी प्रैक्टिस करनी है कि आपको एक आईपीड्रेस दिया होगा और आपको नीचे तीन चार ऑप्शन दिए होंगे और आपको उनमें से उनकी बाइंडी ढूंढ के निकालनी होती है जब आपको कोई एक ऑक्टेट दिया होता आपको उसकी बाइंडी ढूंढ के निकालनी होती है ठीक हो गया तो दैट इज द होल कंसेप्ट ओके ये मैंने ए क्लास का आईपी एड्रेस लिया है ठीक है आपको वहाँ पे बी क्लास का भी आ सकता है आपको वहाँ पे सी क्लास का भी आ सकता है बी और सी हम आगे देखते हैं ठीक है क्या चीज़ें होती हैं ठीक हो गया अच्छा जी अगर अच्छा ठीक हो गया जो हमने बाइनरी बनाई थी वो सेम टू सेम कुछ ऐसी ही बनेगी ठीक है तो यहाँ पर देखें आपके पास ज़ीरो यहाँ पर ज़ीरो टेन की वैल्यू थी ना पूरी ज़ीरो वन उसके बाद ज़ीरो वन ज़ीरो 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 आप देखो फर्स्ट ऑक्टेट देखो यहाँ पर ये चीज़ देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छा जी आठ और दो इन दोनों को काउंट करके देखें तो टेन बन जाता है ठीक हो गया दूसरी फॉर्म में दूसरे ऑपडेट में देखें तो आपके पास फर्स्ट बिट जो है वो ऑन है और बाकी बाकी सारे ऑफ है ठीक हो गया तो मतलब क्या आपके पास ये ऑन है और एक की वैल्यू एक यहाँ पे भी देखें एक है ठीक है और थर्ड चीज़ थर्ड चीज़ भी सेम होगी आपके पास आ, एट प्लस टू टेन आ जाएगा ठीक है आपके पास टेन यहाँ पे आ गया और फोर्थ ऑक्टेट में देखें तो आपके पास यहाँ पे टू है दैट्स ठीक हो गया अच्छा जी यहाँ पे बाइंडरी निकल गई आपकी ठीक है अच्छा जी ये चीज़ मैंने यहाँ पे आपके पास लिंक ऐड किया है ठीक है अगर आपने अपनी बाइन्डरी जो है कन्वर्ट कर लिया है अपने आई एड्रेस को वाइनरी में कन्वर्ट कर लिया है ठीक है तो आप मेरे ख्याल से एक बार गो थ्रू होकर देखें इस लिंक को क्लिक करें और लिंक क्लिक करने के बाद आपको क्या मिलेगा कि आपको आपके वेब ब्राउज़र पर पे एक पेज खुल के आ जाएगा वहाँ आप पर आपको आई पी एड्रेसिंग टू बाइंड्री के लिए बाइंड्री का एक टूल है आप वहाँ पर अपना आई पी एड्रेस देखें एंटर करके देखें और नीचे आपको वो आपकी जो बाइन्डरी कन्वर्ट करके दे देगा फ्री टूल है आप यहाँ से ओवर इंटरनेट है ऑनलाइन जो है अपना बाइंड्री है जो अपनी करेक्ट है उसको कर सकते हो ठीक है अगर आपने कहीं गलती की है तो आपको बता देगा वहीं पे बाइंड निकाल के उस चीज़ की ठीक हो गया आगे चलते हैं ओके बी क्लास अच्छा जी बी क्लास में फर्स्ट आता है आपको पता है आपके पास इसमें क्या होते हैं दो ऑक्टेट हैं वो रिज़र्व होते हैं नेटवर्क आईडी के लिए और दो जो होस्ट आईडी के लिए रिजर्व होते हैं ठीक है तो बेसिकली हमारा इसमें कोई को काम नहीं है फिलहाल ठीक है तो हमने बाइंड्री में कन्वर्ट करना है चीज़ को ओके वन थर्टी हाँ जी तो वन थर्टी कैसे होगा जी वन ट्वेंटी एट ठीक हो गया 128 ऐड करें और यहाँ पे आप टू ऐड करें ठीक हो गया तो यहाँ पे भी एक कर यहाँ पे ऐड करना चाहिए एक कर दें ज़ीरो 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 टू वन आएगा और ज़ीरो ठीक हो गया क्या बन गया आपके पास वन थर्टी बन गया 128 ट्वेंटी एट प्लस टू इक्वल टू वन ओके आगे चलें आपके पास हंड्रेड कैसे बनेगा जी अब ओके जी अब हमने 100 बनाना है तो हमने 100 कैसे बनाना है आपके पास सिक्स और हाँ जी सिक्सटी फोर प्लस थर्टी टू आपके पास मेरे ख्याल से बन जाते हैं नाइन्टी सिक्स और नाइन्टी सिक्स के साथ आपने चार और जोड़ने हैं तो आपके पास बन गया जी हंड्रेड मतलब क्या हुआ एक एक और यहाँ पे भी एक बाकी सारे ऑफ जीरो वन ठीक हो गया ये आपके पास हंड्रेड की बन बनेगी आगे आपने टू की बाइनरी बनानी है बिल्कुल जी बहुत सिंपल है टू पे आपने बिट ऑन रखना है और बाकियों पे ऑफ कर दो जीरो 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 समझ आ गई आगे आपने हंड्रेड बनाना है हंड्रेड कैसे बनेगा जी यहाँ पे आपके पास थर्टी थर्टी टू आ गया ठीक हो गया थर्टी टू के साथ आपने सिक्सटीन ऐड कर दिए तो ओके थर्टी टू प्लस सिक्सटीन आपने ऐड किए तो आपके पास फोर्टी एट बन गए फोर्टी एट बन गए तो प्लस आपने टू और ऐड किए तो आपके पास फिफ्टी बन गए ठीक हो गया मतलब थर्टी टू प्लस सिक्सटीन प्लस टू बाकी आपको ज़ीरो कर दो और आप इनको डेसिमल्स में आगे लिख सकते हो ठीक है डेसिमल्स में क्या है आप इनको मतलब डॉट लगा के लिख सकते हो ठीक है जो भी आपने बाइनरी कन्वर्ट की हुई दैट्स ऑल कंसेप्ट समझ आ गई ओके okay. तो हमने जो बाइनरी कन्वर्ट की वो कुछ इस टाइप से बनेगी आगे ठीक है अगर फर्स्ट एक्टोर जैसे हमने देखा था 130 बनाना है 128 को क्लिक करो और टू को क्लिक करो आपके पास 130 बन जाएगा और नीचे देखो आपके पास ये भी टॉन होगी ये भी टॉन होगी और बाकी सारी ज़ीरो हो जाएगी समझ आ गई ये चीज़ ऐसे निकलेगी ओके okay. बहुत ईजी कंसेप्ट है बहुत ईजी मैथड है ठीक है आप जितनी हो सके आपको उतनी प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की ठीक हो गया सी सी एन ए में अगर आपने आई पी ड्रेसिंग की प्रैक्टिस नहीं की और अगर आपने रोटिंग की प्रैक्टिस नहीं की ठीक है तो सी सी एन ए करना इम्पॉसिबल है ठीक है आपके लिए इम्पॉसिबल है ठीक है तो आपको आई पीड्रेसिंग की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ठीक है विदाउट इसके आप सी सी एन ए नहीं कर सकते नहीं कर सकते और नहीं कर सकते ठीक हो गया आगे चलें तो आई पीड्रेस अच्छा सी क्लास सी क्लास में आपके पास आपको पता है तीन ऑक्टर जो रिजर्व होते हैं नेटवर्क आई डी के लिए एक होस्ट आई डी के लिए ठीक है तो हमने वन नाइन्टी टू की बाइनरी बनानी है तो जी कैसे बनेगी वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी एट प्लस सिक्सटी फोर कितने होते हैं जी आपके पास आपके पास कितने होते हैं आप ऐड करके देख लो कितने होते हैं वन ट्वेंटी एट प्लस सिक्सटी फोर एट एंड फोर कितने हो गए टू सिक्स टू प्लस सिक्स प्लस टू प्लस वन सिक्स एट और नाइन और यहाँ पे आपके पास वन नाइन्टी टू आ गया जी वन वन करेंगे वाकई सबको ज़ीरो कर दो ठीक हो गया ओके जी अब आपने बनाना जी 168। कैसे बनेगा 128 स्क्वायर इसको कर लो 32 ऐड करो कितने होते हैं टेन तीन दो पाँच, एक छे वन सिक्सटी हो गए। अब आपने एट और ऐड करने हैं इसमें तो यहाँ से उठा लो ठीक है मतलब क्या बना वन ट्वेंटी एट प्लस थर्टी टू प्लस एट बाकी सबको जीरो कर दो ये आपका वन सिक्सटी एट की बाइनरी बन गई यहाँ पे आपके पास टेन है तो एट प्लस टू यहाँ पे कर दो और यहाँ पे इन दोनों को ऑन कर दो और बाकी सबको ऑफ रहने दो चेक हो गया और आपने आगे तीन बनाना है तो आपके पास टू प्लस वन इक्वल टू थ्री होते हैं तो इन दोनों को ऑन रहने दो और बाकी सबको जीरो कर दो ये आपकी बाइंडी बन गई C क्लास की ठीक है समझ आ गई तो आप देखोगे यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू बनी जो हमने लास्ट वैल्यू बनाई टू की बनाई थ्री की सॉरी थ्री की बनाई तो आपके पास देखो हमने ये दो बिट ऑन किए ऑन किए थे और बाकी सबको ऑफ कर दिया था दैट्स ठीक है क्योंकि हर एक ऑक्टेट में आपके पास एट बिट होते हैं तो आप काउंट करके देखोगे ये भी आपके पास एट बिट होंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ ठीक हो गया ओके सबनेट मास्क अच्छा जी सबनेट मास्क का ये कंसेप्ट होता है मैंने सोचा इस चीज़ को करवाते है नहीं है, बेसिक चीज़ होती है मैंने सोचा आपको समझा दूँ आपको समझ आ जाएगा ना तो आपको वो वाला कंसेप्ट समझ आ जाएगा जाए कि हम डी क्लास क्यों नहीं यूज़ करते ठीक हो गया इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है सेम वही कंसेप्ट है आपने वन ट्वेंटी एट सिक्सटी फोर थर्टी टू सिक्सटीन एट फोर टू वन ये चीज़ें ये ऐसे लिख लेनी है ठीक है आपके पास ये वाला मेथड लगेगा ठीक है आपने टू फाइव फाइव को करना है ना तो आप देखोगे ना इन सभी को ऐड करके देखो आप आपके पास ये वैल्यू आती है टू फिफ्टी फाइव ठीक है अगर आपको डॉट आया तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो ठीक हो गया तो कैसे होगा 128 प्लस 64 192 प्लस 32 224 224 टू फोर प्लस सिक्सटी टू फोर्टी टू फोर्टी प्लस एट टू फोर्टी एट टू फोर्टी एट प्लस टू फोर आपके पास आ जाएगा 252, 252 टू टू फिफ्टी टू प्लस टूल टू टू फिफ्टी फोर और प्लस वन इक्वल टू टू फिफ्टी फाइव ठीक हो गया मतलब मतलब क्या बना आपके पास ये ऑक्टेट है ना वन 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 कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं थी जो बीच में यूज़ नहीं हुई ठीक हो गया तो मतलब क्या बना आपके पास जो आपके पास फर्स्ट ऑक्टेट में वैल्यू आई वन वन, वन 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 एट एक दो तीन सात आठ ठीक हो गया ये बनी आपकी फर्स्ट ऑक्टेट में और बाकी सारी जीरो ज़ीरो ज़ीरो अब बाकी तो कोई है नहीं वैल्यू ठीक है तो बाकी सारी ज़ीरो ज़ीरो कर दो आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सात आठ थर्ड ऑक्टेट में भी ऐसे बनेगी फोर्थ ऑक्टेट में भी ऐसी बनेगी ठीक हो गया मतलब कि आपके पास कोई एक कोई बिटनी बची जो ऑफ थी ठीक है कोई बिटनी बची जो होस्ट के लिए थी इस चीज़ में ठीक है ये तो थी थी होस्ट के लिए ठीक है पर इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं बची जो होस्ट के लिए हो, ठीक है ओके आगे चलें ठीक हो गया मतलब कोई बिट थी जो इसके साथ वो बची नहीं ठीक हो गया तो आगे चलें बी क्लास के साथ ओके okay, तो आपके पास जो बाइंडी थी वो कुछ इस टाइप की बनेंगी ठीक हो गया ओके okay, आगे चले तो बी क्लास के पास जो आपके सबनेट मास को होता है ना वो आपके पास कुछ इस टाइप का होता है ये तो सबको पता होगा आपके पास बी क्लास इस टाइप का होगा अगर आपके पास फर्स्ट ऑक्टेट में वन वन आया तो आपके पास सेकंड ऑक्टेट में वन 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 बन बनाएगा बन 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 ठीक है और लास्ट के आपके पास ये बिट्स जो हैं वो कुछ ऐसे बन जाएंगी ठीक हो गया आपके पास कुछ इस टाइप के बन जाएंगे ओके सी क्लास में आपके पास जो होगा सी क्लास का जो सेवन मास होगा वो आपके पास बिट्स इस चीज़ के जो आपके पास बाइंड्री है वो इस टाइप की बनेगी क्योंकि आपके पास कोई वैल्यू जो है वो फ्री नहीं होती इस टाइम ठीक है ओके अगर आपके पास यहाँ पे मान लें आपके पास डी क्लास है और आपके पास यहाँ पे टू फाइव फाइव आ जाता है तो आपके पास इसकी बाइंड्री क्या बनेगी यहाँ पे भी बन बना जाएगा और इसका रिजल्ट क्या होगा कि आपके पास होस्ट के लिए कोई ए प्लेस ही नहीं, नहीं बचेगी ठीक है सारी बिट्स ऑन है मतलब क्या कोई चीज़ सब चीज़ें यूज हो रही हैं तो कोई रिसोर्स नहीं बचेगा कोई प्लेस नहीं बचेगी होस्ट के लिए मतलब क्या है कि आपका कंप्यूटर के लिए कम्युनिकेशन करने के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी दैट्स द रीज़न कि हम डी क्लास यूज़ नहीं डी और ई क्लास नहीं यूज़ कर सकते ठीक हो गया दैट्स ऑल गन Ok. Tu. Então... दैट्स ऑल हमने क्या पढ़ा हमने जो आईना की वर्किंग पढ़ी आईना कैसे काम करती है उसने अपनी फा, फाइव जो है रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज बना रखी हैं ठीक है न, न, हमारी एशिया में कौन सी काम करती है जी एपनिक काम करती है अपनी रजिस्ट्री काम करती है उसने अपने काम जो आगे एन एन आई आर को न, जो है असाइन कर रखा हुआ है ठीक हो गया एन आई आर वो उस पर डिपेंड करता वो किस टाइप से आई पी ड्रेसिंग डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है ठीक हो गया उसके बाद हमने आई पी वर्जन के टू टाइप्स पढ़े आई पी वर्ज़न फोर और आई पी वर्जन सिक्स आई पी वर्ज़न फ़ोर क्या होता है कि थर्टी टू बिट का होता है थर्टी टू बिट में जो फोर ऑक्टेट होते हैं हर एक ऑक्टेट जो एट बिट का होता है ठीक हो गया उसके बाद हमने उसकी पांच रेंजेज़ पढ़ी ठीक है पांच क्लासेस पढ़ी उसके बाद हमने क्या पढ़ा हमने नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी पढ़ा ठीक है और उसके बाद हमने क्या किया हमने सबनेट मास्क पढ़ा क्या होता है जी आपके नेटवर्क को नेटवर्क को जो है वो उसके आइडेंटिफिकेशन करवाता है कि उसमें होस्ट आई कौन सी होती है और नेटवर्क आई कौन सी होती है जैसे आपके पास ये सी क्लास का सबनेट मास्क का है तो इसमें अगर इसमें तीन प्लेसेस पे टू है तो ये सी क्लास का आई एड्रेस होगा ठीक है तो उसके बाद हमने क्या किया हमने बाइनरी बनाई ए क्लास की बाइनरी बनाई बी की बनाई और सी की बनाई उसके बाद हमने सबनेट मास की भी बाइनरी बनानी सीखी ठीक हो गया तो दैट्स ऑल कि मैं ये चीज़ें आपको आज समझाना चाहता था ठीक है आगे क्या करेंगे हम आगे हम थोड़ा मेरे ख्याल से इतना ही बड़ा लेक्चर बनेगा उसमें मैंने आपको प्राइवेट और पब्लिक प्राइवेट आई पी डे समझाने हैं उसके बाद मैंने आपको नोटेशन भी बतानी है ठीक हो गया और हम इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल व्यू हुए देखेंगे ओके okay. और ओके 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 तो मैंने सोचा क्यों ना हर एक लेक्चर के साथ में कुछ आपको इंटरेस्टिंग बताया उस इसको के बारे में ठीक है जो स्टूडेंट्स जो प्रोफेशनल बेसिकली नेटवर्किंग में हैं या आना चाहते हैं या करना चाहते हैं ठीक है तो उनके लिए कि मैं इंटरेस्टिंग कंसेप्ट बता दूं कि मैंने जैसे आपके पास सी के आ, फ़र्स्ट लेक्चर में आपको उसकी इंट्रोडक्शन दी थी ठीक है तो मुझे कुछ और इंटरेस्टिंग फाइंड हुआ कि आपके पास जो सी सी ए आर सर्टिफिकेशन होती है ना वो मोस्ट प्रस्टिजियस सर्टिफिकेशन होती है इन द वर्ल्ड ओके अगर आप आईटी वर्ल्ड में हो ठीक है तो सी सी ए आर की सर्टिफिकेशन जो होती है ना वो आई पी आई टी वर्ल्ड में सबसे प्रस्टिजियस होती है ठीक है और वो आपके नेटवर्किंग फील्ड में होती है सी सी ए आर क्या होती है सिस्को सर्टिफाइड आर्किटेक्ट ठीक हो गया तो इट रिक्वायर प्रेजेंटिंग ओवर टेन ईयर एक्सपीरियंस अगर आपके पास टेन ईयर या ऊपर का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो ठीक है मीन्स यू नीड टू बी हाईली एक्सपीरियंस्ड हाइली एक्सपीरियंस पर्सन इस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है ठीक है अच्छा जी इसकी फीस कितनी होती है तो उन्होंने बेसिकली फ़ीस जो बताई हुई थी एलेवन थाउजेंड टू फिफ्टी डॉलर बताई हुई थी अगर मैं इसको इंटरन फीस में कैलकुलेट करके देखूँ तो आपके पास सेवन लैख फिफ्टी टू थाउजेंड फाइव एलेवन रुपीज़ बनते हैं फाइव हंड्रेड एलेवन रुपीज़ बनते हैं ठीक है दिस इज़ सो बिग कॉस्ट फॉर मी फॉर मी और स्टूडेंट्स ओके टू टेक द एग्जाम ओके एंड द सी सी डी ई सिसको सर्टिफाइड डिज़ाइन एक्सपर्ट्स ओनली सिक्सटी ऑन हिज सर्टिफिकेशन ओके उसके पास सिसको सर्टिफाइड डिज़ाइन एक्सपर्ट की जो है वो सर्टिफिकेशन होनी इंपॉर्टेंट है ठीक हो गया विदाउट सी सी डी ए के बग़ैर आप जो है वो सी सी ए आर का एग्जाम नहीं दे सकते हैं ठीक है ये आपके पास जो एक्सपर्ट लेवल की सर्टिफिकेशन जो मैंने बताई थी आपके पास वो चीज़ होती है ठीक है जिसको सर्टिफाइड डिज़ाइन एक्सपर्ट ओके अगर ये न, कभी हमें और टाइम मिला तो हम सी सी डी ए जिसको सर्टिफाइड डिज़ाइन एसोसिएट जो हम सी सी एन ए कर रहे हैं ठीक है सी सी एन ए हम रोटिंग स्विचिंग में कर रहे हैं वो डिजाइन में आएगी आपके पास उस पर भी हम फोकस करेंगे ठीक है अगर हमारे पास टाइम हुआ कभी इन फ्यूचर तो ठीक हो गया ओके okay. यू आर टेस्टेड बाई द लाइव बोर्ड लाइफ बोर्ड ऑफ डिस्टिंग इंजीनियर्स एंड अदर सी सी ए इंजीनियर्स ए आर इंजीनियर्स ओके दे आर ओनली नाइन ऑफ दीज इन दर्ल्ड ओके ओके इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो आप एग्ज़ाम दोगे ने सी सी ए आर का एग्जाम दोगे तो आपको जो है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि आपके पास जो इंजीनियर्स होते हैं सी सी ए लेवल के इंजीनियर्स होते हैं वो आपको टेस्ट करेंगे सिसको में जाके आपको टेस्ट हो, एक बेसिकली प्रॉब्लम दी होगी उन्होंने एक सिनेरियो कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो दी होगा जिसको आपने सॉल्व आउट करना होता है ठीक है और वो चीज़ आपके एक्सपीरियंस से ही पॉसिबिलिटी होती है ठीक है विदाउट इट ड्रीम्स लेना छोड़ दें ठीक है रिय रियलिस्टिक थिंग में आए कि आपके पास जो टेन टू आप ईयर्स का एक्सपीरियंस था वही वही बंदा इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकता है ठीक हो गया और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं फैक्ट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये एक्चुअली जो मैंने पोस्ट देखा था ना वो एक्चुअली मे बी नाइन्थ मंथ का पहले का था तो उस टाइम वो बंदा बोलता था कि भैया जो सिस्को के सी सी ए आर के लेवल के बंदे हैं ना वो इस वर्ल्ड में या इस दुनिया में लगभग नाइन ही है जिन नाइन ऐसे बंदे हैं जिन्होंने सी सी ए आर का सर्टिफिकेट जो है वो क्लियर किया हुआ है सिस्को सर्टिफाइड आर्किटेक्ट जो क्लियर किया हुआ है ठीक हो गया तो दैट्स ऑल यहाँ पे सिर्फ नाइन बंदे हैं ठीक है तो आप सोच ही सकते होगे कि अगर पूरे वर्ल्ड में नाइन बंदे हैं तो ये कितनी प्रस्टिजियस सर्टिफिकेशन होगी ठीक है फर्स्ट फर्स्ट थिंग कि स्टूडेंट इस चीज़ को अवॉर्ड नहीं कर अफोर्ड नहीं कर सकते यहाँ पे आपके पास सेवन लैक फिफ्टी टू थाउजेंड रुपीज़ हैं जब मिडिल क्लास का लेवल का एक स्टूडेंट है वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता इस चीज़ को हाई नहीं कर सकता कभी भी ठीक हो गया तो अगर आप यहाँ पे फेल हो जाते हो तो आपके आपके जो आपने जो पैसे लगाए होंगे तो वो बेकार चले जाएंगे तो मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना चाहता हूँ कि सी सी ए आर सर्टिफिकेशन है वो नाम के आई टी वर्ल्ड है उसमें मोस्ट पस्टीडियस सर्टिफिकेशन है जो आपकी नेटवर्किंग में सिस्को करवा रही है इस टाइम ठीक हो गया तो आपके पास जो जो डिज़ाइन लेवल होता है ना बेसिकली सी को सर्टिफाइड डिज़ाइन एक्सपर्ट जो डिज़ाइन एसोसिएट डिज़ाइन प्रोफेशनल ये जो सर्टिफिकेशन होती है ना सी सी डी ए हम सी सी डी ए के बाद लेकर चलें तो मेरा ये मानना है जब एक्सपर्ट ये मानते हैं कि आपके पास जो सी सी एन ए होता न, CCDA है ना उससे सी सी डी ए ज़्यादा एडवांस होता है बेसिक इसके आप प्री रिक्वेस्ट देखोगे ना आप सिस्को के वेबसाइट्स पे भी जाके देखोगे ना वहाँ पे आपको बेसिक सी सी ई एन टी सी सी ई एन टी जो है ना आपके पास अच्छा आई सी एन वन है ठीक है वहाँ पे सी 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 ई एन टी है ना वो बेसिक कोर्स है ठीक है जो हर एक अगर आपने सी सी एन ए करना है रोटिंग स्विचिंग करनी है अगर आपने वॉइस करनी है अगर आपने डेटा सेंटर करनी है तो आपको इस चीज़ का एग्जाम देना पड़ेगा पहले ठीक है ये चीज़ पहले इंपॉर्टेंट नहीं थी पर यह चीज़ आप इंपॉर्टेंट हो गई है ठीक हो गया तो हर एक सर्टिफिकेशन के लिए ये आपके पास जो आपने पेपर देना है ये आपके लिए पहले इंपॉर्टेंट है अगर ये आपको देना पड़ेगा इसके बगैर आप आगे सेकेंड एग्ज़ाम नहीं दे सकते ठीक हो गया तो मैं ये कह रहा था कि आपके पास जो सी सी डी ए जो होता है ना ये जो कोर्स होता है ना वो सी सी एन ए से अपर लेवल का होता है ठीक है इसके लिए सी सी एन ए ज़रूरी नहीं होती है बट ऐसा मेरा मानना है कि अगर आपने सी सी डी ए करना है ना तो आपको पहले सी सी एन ए की नॉलेज होना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर आपके पास डिज़ाइन बनाए जाते हैं ठीक है आपकी जो रियलिटी में डिज़ाइन कैसे होते हैं ठीक है थीके? तो उसके लिए आपके पास जो नेटवर्क इंजीनियर होना है ना उसके लिए एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है कि उसने डिज़ाइन कैसे बनाने होते हैं ठीक है थीके? एक नेटवर्क का डिज़ाइन एक बंदे के एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है ठीक हो गया तो इसीलिए जो आपके पास सी सी डी ई की सर्टिफिकेशन है उसके बाद सी सी ए आर का आपके पास सर्टिफिकेशन जो सिस्को ने प्रोग्राम रखा ठीक है तो ये चीज़ बताना जाता है कि हाईली प्रस्टिजियस है इन द आई टी वर्ल्ड ठीक हो गया तो यहाँ पर आपके पास जो इसकी एग्ज़ाम की फीस है ये बहुत ज़्यादा हाई है ठीक हो गया तो मैं आपको ट्रेनिंग क्यों दे रहा हूँ मैं मेरा मोटिवेशन या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि स्टूडेंट ने इस चीज़ को नहीं अफोर्ड कर सकते ठीक है अगर कोई स्टूडेंट इस चीज़ को अफोर्ड कर भी सकते हैं ना अच्छा जी इसमें जो ये आपके पास ये सिर्फ एग्ज़ाम फीस है यहाँ पे आपकी फ़्लाइट फ्लाइट का जो एक्सपेंडिचर है जो आपका ओन एक्सपेंडिचर है यहाँ पर इंक्लूड नहीं है तो इसको मिला के आपके पास एट लाख के ऊपर जो अमाउंट क्रॉस कर जाएगी ठीक है तो मेरा आपको पढ़ाने का मेन मोटिव यही मे है कि स्टूडेंट्स कोई स्टूडेंट होते हैं वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते अगर कुछ कर भी सकते हैं ना तो वो ट्रेनिंग के लिए इतने पैसे नहीं खर्च कर सकते इतने मनी नहीं अफोर्ड कर सकते और मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये बच्चे पोअर फैमिली से हैं ठीक है जो ऐट लीस्ट एसोसिएट या प्रोफेशनल लेवल की सर्टिफिकेशन चाहते हों तो उनके लिए मैं एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर, कर रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए ठीक है ताकि वो ट्रेनिंग पे एटलीस्ट पैसे नहीं खर्च करें और अपनी सर्टिफिकेशन के लिए पैसे बचा सकते हैं ठीक हो गया मेरा मेन मोटिव यही है ठीक हो गया तो मैं आपको सर्टिफिकेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ डोंट थिंक कि मैं आपको कोई बेसिक ट्रेनिंग दे रहा हूँ सो uh, ठीक so, हो गया सो दैट्स अ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट सिस्को कि सिस्को एक कंपनी है जो आपके पास एक हाईली पस्टिजियस सर्टिफिकेशन इन्होंने लॉन्च कर दी हुई है जो अप्रॉक्सीमेटली 1993 से लॉन्च हो गई थी ठीक हो गया तो दैट्स ऑल मैटर ओके अच्छा जी मुझे कुछ क्वेश्चन भी आए ठीक है जी तो मैं उनके आंसर देना चाहूँगा कि मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा या कुछ लोगों ने कहा भैया जी आजकल सर्टिफिकेट की ज़्यादा वैल्यू होती है ठीक है एज़ कंपेयर टू नॉलेज तो क्या आप उन लोगों की हेल्प कर सकते हो न, उन लोगों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करोगे उनका पढ़ने का क्या फ़ायदा अगर आप उनको सर्टिफिकेट नहीं दोगे तो भैया मैं आपको बता देना चाहता हूँ मैं सिस्को नहीं हूँ मैं माइक्रोसॉफ्ट नहीं हूँ ठीक हो गया मैं सिर्फ आपको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स फ़ाइनल एग्ज़ाम या आपके ग्लोबल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकें ठीक हो गया सिम्पल्स इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है कि आप स्टूडेंट को एक ट्रेनिंग दी जाती है बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है और उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है ठीक है मैं आपको वो चीज़ नहीं करवा रहा हूँ मैं आपको रियल सिस्को की सर्टिफिकेशन के लिए ट्रेनिंग दे रहा हूँ ठीक हो गया तो यहाँ पर मेरा कोई पर्सनल बेनिफिशियल नहीं है ठीक है पर्सनल बेनिफिट के लिए काम नहीं कर रहा हूँ मैं ठीक है मैं उन स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहा हूँ जो ट्रेनिंग फीस नहीं हायर कर सकते ठीक हो गया तो डोंट थिंक कि मैं आपको कोई सर्टिफिकेट प्रोवाइड करूँगा मैं आपको सिर्फ ट्रेनिंग दे रहा हूँ जिसके बेस पे आप आगे आप एग्ज़ाम दे सको ठीक हो गया तो आगे चले फिनिश कोई स्टूडेंट तो सो गए होंगे कुछ मेरी बोरिंग बातें सुन के वैसे ही दुखी होंगे कि कब बस करेगा ठीक हो गया तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि थैंक यू Again, for listening to me. No. That's all. Good night.